अच्छे हमारे और नियत साफ हो। सेवा ही है जिसका धर्म और समाज की सेवा के लिए ही जिसने किए हो अपने हर कर्म। आज क्षेत्र के उसी शख्स से संस्कार दर्शन की टीम आपको मिलाने जा रही है। अपने कार्यों के लिए प्रशंसनीय राजेश सेठिया को क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता होगा। जी हाँ, आज मिलनसार सहज स्वभाव के धनी, जिंदा दिल व्यक्तित्व के धनी राजेश सेठिया के जन्मोत्सव पर एक विशेष रिपोर्ट में हम दर्शकों को उनके जीवन के कुछ अस्मरणीय क्षणों के बारे में आपसे रूबरू करवाएंगे। गरुच नगर के प्रतिष्ठित सेठिया परिवार के लाडले एवं जाने माने समाज सेवी राजेश सेठिया का आज 51वां जन्मोत्सव है। राजेश सेठिया ने अपने जीवन के 51 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए हैं और अब वे अपने जीवन के 52वें वर्ष में कदम रखने जा रहे हैं। लेकिन समाज के क्षेत्र में अपनी एक अलग ही छवि बनाने वाले राजेश सेठिया के बारे में हम आपको कुछ विशेष बातें बताएंगे जो स्वयं राजेश सेठिया से ही आपको जानने मिलेगी। आज समाज सेवी राजेश सेठिया के जन्मोत्सव पर उनके जीवन के कुछ ऐसे ही अस्मरणीय और प्रशंसनीय पलों के बारे में हम आपको बताएंगे। सेवा ही है जिसका धर्म और समाज की सेवा के लिए ही किए हो जिस व्यक्ति ने अपने हर कर्म। आज गरुड़ नगर के उसी शख्स से संस्कार दर्शन की टीम आपको रूबरू करवाने वाली है। जी हाँ, समाज सेवी राजेश सेठिया। गरुड़ नगर का हर शख्स उन्हें जानता है और क्यों ना जाने जिसने समाज के लिए सेवा की है। आज उसी शख्स के साथ हम मौजूद है। सहज स्वभाव के धनी और जिंदा दिल व्यक्तित्व के धनी समाज सेवी राजेश सेठिया का आज 51वां जन्मोत्सव है। आज समाज सेवी राजेश सेठिया ने अपने जीवन के 51 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और वे अपने 52वें वर्ष में कदम रखने जा रहे हैं। तो आज हम उनसे उनके जीवन के कुछ अनमोल पलों के बारे में जानेंगे। तो जी राजेश सेठिया जी, आपसे सभी दर्शक ये जानना चाहेंगे कि कोरोना काल में जैसे हर साल में आपका जो जन्मोत्सव है बड़ी उत्सुकता से मनाया जाता था, लेकिन आज कोरोना काल में कुछ ना कुछ खेद है। तो आपका 51वां वर्ष आज पूर्ण हो गया है, आज 51वां वर्ष है, जन्मोत्सव है आपका, तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है आज के दिन? महसूस तो जन्मोत्सव है, सब लोगों ने शुभकामनाएं दी इसलिए अच्छा महसूस हो रहा है, पर निश्चित रूप से वर्तमान परिस्थितियों में दुख इस बात का भी है कि अभी पिछले समय में हमने कई अपने लोगों को खोया और उसका दुख तो अपने मन में रहता ही है और रहेगा ही चाहिए। आगे निश्चित रूप से कोरोना काल में कई ऐसे लोग जो अपने अजीज थे, अपने रिश्तेदार थे, कई लोग जो है चले गए, मैं उन्हें अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। देखिए, हमें पता चला है कि आपके परिवार का हमेशा से ही आरएसएस से और जनसंघ से पुराना नाता रहा है और आप स्वयं भी अभी वर्तमान में खाद बीज दवाई संघ के अध्यक्ष भी हैं, जिला अध्यक्ष हैं। तो आपका किसानों के साथ कैसा संबंध रहा है, आप कैसे किसानों से जुड़े रहे हैं और गरीबों के किस प्रकार से आप हमेशा से मदद करते आ रहे हैं? मैं लगभग 30 से भी अधिक वर्षों से कृषि के क्षेत्र में मेरा व्यवसाय है और उसी व्यवसाय के माध्यम से मैं किसानों से सतत निरंतर संपर्क में जुड़ा हूँ। खेतों पे जाना, खेतों पे किसानों की समस्याओं का निराकरण करना, उनसे बहुत सारी चीजें सीखना और निरंतर उनसे संपर्क में रहने से हमें जमीनी हकीकत का पता चलता है। और चूंकि मेरा व्यवसाय खाद बीज का है इसलिए मैं जो है किसानों से सतत जुड़ा हुआ रहा विगत 30 वर्षों से, जब से मैंने बीएससी बायोलॉजी से पूर्ण की मंसूर से, उसके सीधा बाद में व्यवसायिक रूप से खाद बीज दवाई
से जुड़ा और तब से मेरा किसानों से निरंतर संपर्क है। देखिए, गरो क्षेत्र में हमेशा आपने आपदा के समय, चाहे वो बाढ़ हो या फिर अधिक वर्षा हुई हो, तो आपने किसानों की मदद की है। यहाँ तक कि बाढ़ के समय में, आपदा में आपने गरीबों की बहुत मदद की है, बहुत सहायता की है। तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि COVID-19 में भी आपने इतनी मदद गरीबों की है, कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराई है, इतना सब कुछ काम किया है, आपको समाज सेवा की ललक आखिर लगी कहाँ से? जी, समाज सेवा की ललक तो इसलिए लगी कि जैसे गरोड़ क्षेत्र में अतिवृष्टि हुई, अतिवृष्टि के समय में भी जब शासन प्रशासन लोगों की इतनी मदद नहीं कर पाया, तो निश्चित रूप से ही हमारे दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना हम, यदि भगवान ने हमें सक्षम बनाया तो क्यों ना हम लोगों की सहायता करें जो अपने से संभव हो सकती हो। और हम अतिवृष्टि के समय में भी लोगों के पास पहुँचे, उनको खाने पीने रहने और जो भी संभव मदद हमसे हो सकी वो हमने की। मैंने अपने बेटे पार्थ का जन्मदिन भी ग्राम बंजारी में, जिन लोगों की अतिवृष्टि में बहुत नुकसान था, उनके बीच में ही मनाया था, ताकि हम इसी माध्यम से कम उनकी सेवा कर सके। वर्तमान पिछले कोरोना काल में भी जब पूरा भारत बंद था, लॉकडाउन था, तब हमने ये विचार किया कि ऐसे कई लोग हैं जो रोज कमाते और रोज खाते हैं और हमें निश्चित रूप से उनके भोजन की चिंता करना चाहिए। तो हमने उनके भोजन की चिंता के लिए एक सेवा समिति का गठन किया और लगातार 45 दिन तक उस समिति ने भोजन के पैकेट प्रत्येक वार्ड में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बांटे। निश्चित रूप से उसमें गरोड़ के और आसपास के क्षेत्र के कई लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया, मानसिक सहयोग, आर्थिक सहयोग, पूरी टीम ने लग करके। और को पिछले 2020 के कोरोना काल में भी लोगों की जो सेवा हो सकती थी वो की, भोजन पैकेट की। उसके पश्चात पिछले 16 अप्रैल 2020 को भी मेरी छोटी बेटी प्रार्थना का जन्मदिन था, उसे भी मैंने करीबन 300 राशन किट बांटकर और 21,000 रुपये PM फंड में देकर के मनाया, ताकि इसी माध्यम से अपन जन्मदिन के अवसर पर भी लोगों की कितनी सेवा कर सकते हैं वो करने का अपने ने प्रयास किया। वर्तमान कोरोना काल में 2021 में जब 25 अप्रैल से 15 मई के बीच का जो समय रहा वो बहुत, मतलब मानसिक त्रासदी का समय रहा, जब कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं था। जब जिस बीमार के कोई, किसी के घर में यदि कोई बीमार रहा तो उसका रिश्तेदार उसका फोन नहीं उठाता, कोई नेता फोन नहीं उठाता, कोई सहयोग करने को तैयार नहीं था। उस समय में हो सकता है कि भगवान ने मुझे ऐसी शक्ति दी कि मैंने एक जुनून के रूप में उस कार्य को लिया। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुरेश जी पाटीदार, हमने मिलकर के सेवा समिति का गठन किया और एक मन में एक ललक ये थी कि जिनकी कोई सहायता नहीं कर रहा है इस समय कोरोना काल में, उस समय में हम लोगों की सहायता करें। और जो हमसे बन सका, चाहे वो सीटी स्कैन कराने का मामला रहा, हमने यहाँ करीबन 300 से ज्यादा सीटी स्कैन 1,000 रुपये में कराए। सेवा समिति द्वारा कोरोना सेंटर पे जाकर, जब लोग कोरोना सेंटर के आसपास भी जाने में घबराते थे, उस समय में हम कम से कम 15 बार कोरोना सेंटर पे गए, लोगों से बातचीत की, उनकी तकलीफों को साझा किया और हमसे जो उनका सहयोग संभव हो सका वो हमने किया। चाहे कोरोना सेंटर पे सेवा समिति का स्टार लगाया, जिसमें जो कोरोना पीड़ित लोग थे और जो उनके अटेंडर यहाँ रह रहे थे और जो कोरोना को स्टाफ था, जो पैरामेडिकल स्टाफ, उनको काफी समस्याएं थी, तो उनके चाय की, दूध की, जूस की और सारी व्यवस्थाएं वही कोरोना सेंटर पे की। फिर एक ध्यान में आया कि यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, तो हमने पानी की बाटलों की जो है वहां व्यवस्था की, 1500 बाटलें वहां दान दी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर और प्रशासन के साथ मिलकर के एक ऑक्सीजन के लिए जो भी संभव प्रयास हो सकते थे वो करे। और इसका परिणाम ये रहा कि गरोड़ कोरोना सेंटर पर आसपास के ही नहीं, जावरा और राजस्थान के कई लोग यहाँ कोरोना सेंटर पर रहे,
और उन सब लोगों का स्वास्थ्य लाभ यहाँ प्राप्त किया उन्होंने और वो यहाँ से अच्छे होकर गए। तो भगवान ने यही हमें एक प्रेरणा दी और हमने उसके लिए लोगों के लिए काम किया। देखिए सिव्या जी, जनता आपसे यही जानना चाहेगी, आपके जन्मोत्सव पर आपने उतरकर बहुत सारे सेवा कार्य किए हैं, तो क्या बचपन से आपका यह सपना रहा है या फिर आपने अपने सपने से कॉम्प्रोमाइज करके राजनीति के क्षेत्र में उतरे? नहीं, बचपन से ये सपना तो नहीं रहा, मैं वास्तव में डॉक्टर बनना चाहता था, पर अब ये तो परिस्थितियां कहे या कुछ भी, तो मैं व्यवसाय में आ गया। और व्यवसाय के पश्चात चूंकि मेरा पूरा परिवार शुरू से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा है, मेरे पिताजी अविभाजित जिले के जिला कार्यवाह रहे, अभी वर्तमान में मेरे बड़े भाई साहब सुरेश जी सेठिया जिले के संघ चालक के पद पर हैं, और सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बड़े नेताओं का मुझे मार्गदर्शन मिला और इसी से हम जन सेवा की ओर जुड़ते गए, और जुड़ते गए तो निरंतर उसमें काम करते कि एक ऐसी चाह रही कि क्यों ना हम लोगों की सेवा करें, लोगों का अगर कोई तकलीफ में है तो निश्चित रूप से हमें उसकी सेवा करना चाहिए, और यही जुनून रहा कि हम निरंतर उस जनसेवा में जुड़ते गए। देखिए आप बहुत कम उम्र में राजनीति के दौर में उतरे, इस राजनीतिक गलियारे में आप उतरे, तो आपका आपको किन लोगों से प्रेरणा मिली, आपके किन बड़ों से आपको प्रेरणा मिली जिसकी वजह से आप राजनीति के क्षेत्र में आपने उतरना अच्छा समझा, उचित समझा? बचपन से ही चूंकि मेरे ताऊजी मोहनलाल जी सेठिया यहाँ के 3 बार विधायक रहे, और वो उस दौर में विधायक रहे जब भारतीय जनता पार्टी का और उनके नाम मात्र के विधायक थे, उस दौर में भी वो 3 बार विधायक रहे, और निश्चित रूप से हमारे यहाँ सभी बड़े बड़े नेताओं का और इनका आना जाना था, उनका मार्गदर्शन मिलता था, और चूंकि परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा है इसलिए मार्गदर्शन सभी बड़े नेताओं का मिला, परिवारजनों का मिला, और परिवार के लोगों से सहयोग के कारण इस जनसेवा के कार्य से निरंतर जुड़ते गए। जी सर, आपने राजनीति के क्षेत्र में किन किन पदों पर रहकर कार्य किया है अब तक? राजनीति में मैं स्कूल में भी पदों पर रहा, कॉलेज में भी राजनीतिक पदों पर रहा, उसके पश्चात मैं युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पद पर रहा, उसके पश्चात मैं अभी पिछले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष रहा, खाद बीज दवाई संघ में मैं इस जिले अध्यक्ष का दायित्व निभा रहा हूँ, सेवा समिति का कार्य कर ही रहे हैं, इस प्रकार पद तो ठीक है, पद तो आते जाते रहते हैं, पर निरंतर अपन जन सेवा से जुड़े रहें यही मेरा एक उद्देश्य है। जी सर, जिसे हमें पता चला है कि आप 22 वर्ष की उम्र में ही जो गरोठ जिला बनाओ आंदोलन के एक अध्यक्ष चुने गए थे, समिति के अध्यक्ष चुने गए थे, तो उस समय में वो दौर बहुत कह सकते कि खतरनाक था, तो उस टाइम पे आपने किस तरीके से उस मोर्चे को संभाला और जनता का साथ दिया, जनता की मांगों को आपने व्यापक रूप प्रदान किया? मैं सन 1991 में ही मैंने स्नातक बीएससी से करके मैं मंदसौर से गरोठ आया ही था, और सीधे मुझे जो है जिला बनाओ संघर्ष समिति का अध्यक्ष, एक यहाँ बड़ी बैठक हुई थी गरोठ में 2 सितंबर 1992 को, नीमच को जिला बनाने की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल जी पटवा ने की थी, और उसके कारण इस क्षेत्र के लोगों में एक रोष की लहर उत्पन्न हुई कि क्यों ना गरोठ को जिला नहीं बनाते हुए नीमच को जिला बनाया गया, और उसके परिणाम स्वरूप एक बैठक आयोजित की गई, और उस बैठक में करीबन 1000 लोग गरोठ के उपस्थित थे, उसमें मुझे उन्होंने जिला बनाओ संघर्ष समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया, और निश्चित रूप से वह दौर ऐसा था कि वह आंदोलन इतना जबरदस्त चला कि 2 सितंबर से 14 सितंबर तक लगातार आंदोलन हुआ, और 14 सितंबर के पश्चात भी यहाँ गरोठ में जो है लगातार 12 दिन तक दुकानें बंद रही, पुलिस की जाती हुई, कई लोग जेलों में रहे, कई लोगों को मारा गया, और मेरे स्वयं के ऊपर भी जो है 15 साल तक 16 केस लादे गए, और मैंने उनमें तारीखें कर करके मैं परेशान हुआ, किंतु आज भी मैं गरोठ को जिला बनाने के लिए सतत
संघर्षशील हूँ, प्रयत्नशील हूँ, और अभी वर्तमान में हमारे माननीय विधायक देवीलाल जी धाकड़ साहब भी इस बात से सहमत हैं कि गरोड़ को जिला बनाया जाना चाहिए। वे भी अपने स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से और भी वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके इस बात के लिए सतत प्रयत्नशील है कि शीघ्र से शीघ्र गरोड़ को जिला बनाया जाना चाहिए। पहले की परिस्थितियां तो ठीक थी, पर वर्तमान में तो गरोड़ में 8 लेन 4 लेन का भी बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा विकास का मार्ग खुला है, जिससे हम दिल्ली मुंबई मार्ग पर बिल्कुल अच्छी जगह है। और निश्चित रूप से अब गरोड़ को जिला बनाया जाना न्यायोचित है और बनाया जाना चाहिए। देखिए, हर राजनेता का अपने अपने स्तर पर जनता के साथ लगाव रहता है, तो गरुड़ के क्षेत्र की जनता का पर बहुत विश्वास है। आपका जनता से किस प्रकार का लगाव रहा है इतने सालों तक? गरुड़ की जनता से तो लगाव शुरू से ही, क्योंकि पूरा परिवार राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा है, संघ से जुड़ा है, इसलिए लोगों से लगाव होना, लोगों के बीच में रहना, जमीन पर रहकर काम करना, ये स्वाभाविक है और इसके लिए अपन हमेशा से तैयार थे और तैयार हैं और तैयार रहेंगे। सर, जैसे आप निरंतर सेवा के कार्यों में हमेशा आगे रही हैं, लेकिन आपके एक सच्चे और अच्छे मित्र सुरेश पाटीदार के साथ मिलकर आपने सेवा समिति का गठन करना ही क्यों उचित समझा? हमने इसलिए उचित समझा कि मेरा ये मानना था कि सेवा समिति में अपन सब लोगों का सहयोग लें, इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से न देखें। मैं ये मानता था कि इसमें भाजपा के लोग रहे, कांग्रेस के लोग रहे, और अपन सब मिलकर के इस आपदा के समय में लोगों की जितनी सेवा, जितनी सहायता कर सके वो करें। और निश्चित रूप से मैं इस सेवा समिति में कोई कांग्रेस के लोग भी रहे, जैसे कजुरलाल जी मगर, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर हमें पूरा सहयोग प्रदान किया। मैं कांग्रेस के भी सभी लोगों का आभार धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि उन्होंने भी हमें पूरा सहयोग इसमें प्रदान किया, और इसी का परिणाम ये रहा कि हम लोगों की पूरी संभव सहायता कर सके। आ जाता है कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आप अपने परिवार में किस महिला को उभार कर लाएंगे, उनके बारे में कुछ कहेंगे जिन्होंने आपका हर कदम में साथ दिया है, सेवा कार्य में आपके साथ रही है? जी, ये बात सही है, और इसमें मैं अपनी माता श्री को पूरा श्रेय देता हूँ कि उनका आशीर्वाद रहा, और वर्तमान में मेरी पत्नी का भी मेरे साथ पूरा सहयोग है कि वो भी जब इस कोरोना काल में घर के लोग अपने घर वालों को बाहर निकलने भी नहीं दे रहे थे, तब मेरी पत्नी ने पूरा सहयोग दिया, और जब मैं कोरोना काल में पूरा घर से बाहर रहा तब भी उन्होंने जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हुए यह मेरे लिए भी एक यह तय किया कि अपन जो है लोगों की सेवा कर सके। जी, वैसे तो आप हमेशा से सेवा कार्य में आगे रहे हैं, आपने हमेशा से ही हर आपदा में लोगों की मदद की है, लेकिन आज एक विशेष दिन है क्योंकि आपका जन्मदिन है, तो आज इस विशेष मौके पर आपने लोगों की किस प्रकार से सहायता की है और आज आपकी दिनभर की दिनचर्या किस प्रकार से रही है? आज की दिनचर्या तो मेरे जो इष्ट है भगवान भोलेनाथ, मैंने सबसे पहले उनकी पूजा अर्चना की, फिर बजरंग बली जिनके ऊपर मेरी अटूट आस्था है, अमरवास बालाजी जिनके आशीर्वाद से ही हम इन सब कार्यों को अमली जामा पहना सकते हैं, उनके दर्शन किए। उसके पश्चात जो एक यहाँ शमशान जो अपना निर्माणाधीन है पथवारिया रोड वाला, वहाँ पर कई सारी चीजें थी, वहाँ हमने जो है 21,000 रुपये मैंने अपनी ओर से आज जन्मदिन के अवसर पर वहाँ निर्माण कार्यों के लिए दिए हैं, और वहाँ वृक्षारोपण पूरे परिवार के साथ उपस्थित रहकर के वहाँ पौधे लगाए, और इस बात की भी व्यवस्था की कि वे सारे पौधे जो है आगे निरंतर चले, इस बात के लिए भी हमने पूरी व्यवस्था की है। और सुबह से सभी लोगों का बधाई संदेश और वो चल रहा है, और निश्चित रूप से लोगों की बधाइयों से, स्नेह से, आशीर्वाद से ही अपन इन सब कार्यों को कर सकते हैं और कर पा रहे हैं। मेरे घर के, मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई साहब, मेरे सभी परिवारजनों का आशीर्वाद मेरे साथ है,
तभी मैं समाज सेवा में ये कार्य कर पा रहा हूँ। मैं सभी का आभार और धन्यवाद इस अवसर पर व्यक्त करना चाहता हूँ। देखिए सेठिया जी, आप और आपके साथी तो हमेशा से ही राजनीति के क्षेत्र में भी और कहें समाज सेवा के क्षेत्र में ही परिपूर्ण है, लेकिन यदि जनता भी और कोई व्यक्ति भी अगर समाज सेवा में आगे निरंतर बढ़ते रहना चाहता है तो वो आपसे प्रेरणा लेना चाहे तो आप उन्हें क्या कहेंगे? निश्चित रूप से मैं तो यही कहूंगा कि समाज सेवा के लिए कोई पद या कोई भी वो आवश्यक नहीं है। आप समाज सेवा शुरू करें और यदि आपने समाज में सेवा के लिए ईमानदारी से प्रयास किए तो निश्चित रूप से सब लोग आपका साथ देते हैं और ईमानदारी के प्रयास हमेशा रंग लाते हैं। यह मेरा सबको यही कहना है। देखिए आपके जीवन की सफलताओं के बारे में बात करें तो वो काबिले तारीफ है, प्रशंसनीय है, और इन जीवन की सभी सफलताओं के लिए अगर आप आभार प्रकट करें तो आपके जन्मोत्सव के अवसर पर आप किस व्यक्ति को आपके परिवार में या फिर आपके गुरुजनों में किसका आभार सबसे ज्यादा प्रकट करेंगे और विशेष प्रकार से प्रकट करेंगे? देखिए आभार प्रकट तो सभी क्षेत्रों में अलग अलग गुरु रहते हैं। राजनीति है तो उसमें अलग गुरु है, घर है तो उसमें अलग गुरु है, व्यवसाय है तो उसमें अलग गुरु है, मित्रता है तो उसमें अलग गुरु है। हर क्षेत्र में नए नए गुरु हमें मिलते हैं और उनके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं। निश्चित रूप से कई ऐसे लोग हैं जिनका मेरे जीवन पर प्रभाव रहा और मैं उनके बताए मार्ग पर चलते हुए ही आज इस स्तर पर अपन काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से सभी क्षेत्र में जिन लोगों का मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ मैं उनका हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सिद्धिया जी, अब हमारा आखिरी प्रश्न ये है कि आप आगे निरंतर और किस प्रकार से लोगों की सहायता के लिए कार्य करने वाले हैं? लोगों की सहायता के लिए तो अपन हमेशा तत्पर है ही, और चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में है, सामाजिक क्षेत्र में है, तो लोगों की सहायता से तो अपना वास्ता हमेशा रहेगा। और यदि और भी कोई ऐसे बहुत सारे बड़े कार्य मेरे दिमाग में हैं जो मैं जन सहयोग से करने के लिए प्रयासरत हूँ। निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में हम और बड़े कार्य करने के लिए जनता के सहयोग लेंगे और भी लोगों का मार्गदर्शन लेंगे, और अगर सब सही रहा तो और आगे करोड़ क्षेत्र के विकास के लिए और बड़े कार्य करने की मन में इच्छा है। और वो कार्य भी अकेले करने के बजाय अपन सब लोगों को साथ लेकर करेंगे तो एक सामूहिक प्रयास ज्यादा परिणाम देता है, ऐसा मेरा मानना है। तो आगे और बड़े बड़े कार्य करने का मन में एक जज्बा है, उसे निश्चित रूप से आगे पूरा करेंगे। एक बार फिर आपको हरफन मोला और दिल अजीज युवा समाज सेवी राजेश सिखा यानी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संस्कार दर्शन टीम एवं दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके यशस्वी जीवन के लिए हम कामना करते हैं। इसी के साथ ये आशा करते हैं कि आप निरंतर ऐसे ही समाज की सेवा के लिए कार्य करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका भी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। संस्कार दर्शन ब्यूरो विशेष रिपोर्ट।